लक्ष्मणगढ़ में हर 12 कोस पर पानी और बोली बदल जाती है। ये कहावत कम से कम राजस्थानी भाषा के संदर्भ में सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियाँ राजस्थानी भाषा की मांग को लेकर कभी भी एक सुर में नहीं बोल पाई। खैर, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एक अरसे से उठ रही मांग को भले कोई नतीजा न मिल पाया हो, लेकिन इंटरनेट और ब्लॉग पर आज ये भाषा दहाड़ कर बोल रही है। बस गूगल पर राजस्थानी लैंग्वेज टाइप करने की दरकार है। महिला साहित्यकार हमला महरिया बताती हैं कि राजस्थानी करोड़ों लोगों की मातृभाषा है, अत्यंत समृद्ध भाषा है, इसका गौरवशाली इतिहास है और इसमें उत्कृष्ट साहित्य लेखन किया जा रहा है और लोगों को कविताओं के माध्यम से जागरूक भी कर रहे हैं। और ऐतिहासिक धरोहर विश्व स्तर पर जानी जासी, पहचानी जासी, अपनी सरकार को खजानो है भी मैं भी बढ़ती उसी, पण ऐ सारा काम होता था। एक कमी है, एक कसक है, एक टीस है, बा है अपनी मायड़ भाषा ने मानता की। कई बार मन में वो विचार आवे कि बा कौन सी बात है, कौन सी कमी